सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही है नीट एमबीबीएस और बीडीएस में, वेरियस कॉलेज में, एम्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सारे कॉलेज की बात करेंगे। क्योंकि यार आपको पता होगा अभी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया और जो कट ऑफ थी वो बिल्कुल जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एवरेज होना चाहिए सेम वैसा ही कट ऑफ गया है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब 24 वालों के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया होता है ना, लमसम चीजें चलती रहती है, एकदम से बड़ा उछाल कभी भी नहीं आता है। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आपका क्या उम्मीद होना चाहिए 24 के लिए, और 23 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी कि आप अभी तक कितनी रैंक पीछे तक जा सकते हैं, कि जिस रैंक पर अभी कॉलेज मिला है तो वहां से आप सोच सकते हैं कि आप 2000 से 3000 रैंक के पीछे तक भी अभी कॉलेज मिल जाएंगे। और जिसको भी थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिला है उनको और बेटर कॉलेज मिल जाएगा अपग्रेडेशन में। तो आप ध्यान रखना, एक बार आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी इन चीजों की तो शुरू करते हैं इन चीजों को यार। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे आपको कॉलेजेस के नाम दिखाई देंगे, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है और मैंने यहाँ पर रैंक्स लगाई हुई है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी रैंक पे कॉलेज आपको मिला है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, इसमें कोई आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आप बात करेंगे जनरली तो आपको दिखाई देगा कि भैया जो एम्स दिल्ली है, ठीक है, तो एम्स दिल्ली में आपको बहुत ही आसानी से मैं चीज बताने वाला हूँ कि यार देखो एम्स दिल्ली में आपको जो जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आपकी जो रैंक है वो 57 रैंक पे आपको क्लोज हो चुका है। अभी तक जो सेकंड राउंड आएगा वहां पे थोड़ी सी रैंक बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक 57 पे क्लोज हो चुका है। और एम्स दिल्ली में ज्यादा रैंक का चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि जो बच्चों को चाहिए होता है फर्स्ट में मिल गया। कभी कभी एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा रैंक का दिक्कत आ जाता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चलती चीजें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 223 रैंक में मिला है, लास्ट रैंक गई है। उसके बाद ओबीसी में 255 गया है, एससी में 989 गया है और एसटी में 1624 गया है। तो एम्स दिल्ली का ये वाला कट ऑफ रहा है, नंबर आप देख सकते हैं मैंने पहले बताया था। और सबसे बड़ी एक और चीज मैं बता दूं, जो मैंने पहले कट ऑफ की वीडियो डाली थी सेम डिट्टो गया, रैंक का भी चेंजेस नहीं है, चाहे तो आप देख सकते हैं जाके, जो मैंने बताया था सेम वही चीज है ये, है ना। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस चलता है इन चीजों में। और इस बार देखो जो फॉरेन कोटा है एम्स दिल्ली का, उसकी रैंक गई है 249584, ये वाली रैंक गई है, तो आप इसको देख सकते हैं, इससे अपने कोई मतलब वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अदर एम्स की बात करेंगे, एम्स दिल्ली को छोड़ के जो अदर एम्स है उसमें लास्ट एम्स कौन सी रैंक तक मिला है, तो आप सिंपली देखेंगे कि भैया कि यार जनरल कैटेगरी में आप सिंपली 4377 तक मिला है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस वहां पे मिला है 6549 पे, और ओबीसी मिला है 5254 पे, और एससी मिला है 4087 पे, एसटी मिला है 67906 पे मिला है आपको, सिंपल है। उसके बाद ऑल इंडिया एमबीबीएस की बात करूं जिसमें लास्ट कॉलेज कहां तक मिला है, तो आप देख पाएंगे कि यार ओपन कैटेगरी में आपको दिखाई देगा कि 19396 पे आपको मिला है, ईडब्ल्यूएस में 21591 पे मिला है, ओबीसी में 19977 पे मिला है, और एससी एसटी का आप ये वाला देख सकते हैं। ये वाली पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। अगर आपको ऑल इंडिया से बीडीएस लेना है तो बीडीएस की रैंक गई है भैया जनरल की गई है 33546, और ईडब्ल्यूएस की गई है 41532, और ओबीसी एसटी एससी का ये वाला कट ऑफ गया है। तो यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना कि यार ये चीजें पता है, अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड चीजें कर रहे हो, आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, यहाँ पे सारा डिटेल यही चीज जा रही है कि आप एनसीईआरटी पे ध्यान रखें जितना हो सके, चीजों को इधर उधर ना पढ़े, क्योंकि ये वाली रैंक, ये वाले जो नंबर है 610 620 नंबर, अगर आप एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़ के बिल्कुल एनसीईआरटी पे स्टिक होते हैं, एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन लगाते हैं, एनसीईआरटी पे स्टिक होते हैं, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ते, अदर बुक बिल्कुल नहीं लगाते, केवल जो एनसीईआरटी बेस है उन चीजों को करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपका स्कोर आ सकता है यार। काफी बच्चे पूछते रहते हैं भैया कि एनसीईआरटी से बाहर का पेपर आता है हमारा, टेस्ट में सारी चीजें आती रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि उसकी कि भाई बीडीएस का सारा मैटर हो गया अपने पास में, अगर आप डीयू एमबीबीएस की बात करेंगे तो इसमें ये वाली रैंकेज है जो जाने वाली है, ठीक है, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, आप लोग देख सकते हैं रैंक का सारा मैटर ये वाला। अगर आप आईपीयू एमबीबीएस लेना चाह रहे तो ये वाली रैंक जाएगी, ठीक है, अगर आईपीयू डेंटल लेना चाह रहे तो आपको ये वाली रैंक देखने को मिलेगी, ओके जी। अगर आप बीएचयू एमबीबीएस ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है ना कि मेरे को बीएचयू चाहिए कॉलेज, तो वहां से एमबीबीएस में ये जो इस बार रैंक गई है वो जनरल की गई है 858, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की गई है 1712, उसके बाद ओबीसी की गई है 1665, और एसटीएससी की ये वाली रैंक गई है, यहाँ तक भी इनको कॉलेज मिला है। और जो सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक भी अपग्रेडेशन आते हैं ना, तो वहाँ पे अपग्रेडेशन में क्या होगा ना, अभी जो 2000-3000 रैंक पीछे भी लोग हैं इनको भी चांसेस है कि ये वाले कॉलेज मिल जाए, डिपेंड करती है, अलग अलग कंडीशंस होती है। और बीएचयू बीडीएस आपको लेना है तो ये वाली रैंक में आपको जाना पड़ेगा, ये सारी रहेगी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज एक और थी कि यार बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि यार उनको डीम्ड कॉलेज चाहिए, मतलब प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो उनके लिए भैया प्राइवेट कॉलेज भैया इसमें यह देखो
यहाँ तक मिला भैया 12,18,000 रैंक तक भी इनको मिला है, ठीक है, और ज़्यादा भी, अभी तो सीट खाली रहती है तो आपको मिल जाएगा, है ना, 12,00,000 रैंक तक भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल रहा है। BDS आपको 12,20,000 के आसपास मिल रहा है, और दिल्ली NCR की वाली रैंक थी और जामिया के लिए वाली चीज़ थी। तो सब मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये वाली होनी चाहिए कि यार भैया जो अपना एम्स दिल्ली का टारगेट है तो ये वाली रैंकेज में आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मान लो आपको अदर एम्स में जाना है तो ये वाली रैंकेज में आपको रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको अदर कॉलेज लेने हैं तो आपको भैया AIQ MBBS ये वाले रैंकेज में आपको रहना पड़ेगा, BDS के लिए वाली चीज़ रहनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है मेरे ख्याल से, तो कि यार आपको यहाँ पे टारगेट ना रखे, ये वाली चीज़ है, अपना ऑप्शनल होना चाहिए कि बेस्ट मिल जाए बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है जो अपना स्टार पॉइंट में मान के चलता हूँ, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इन दोनों में से कोई सा भी कॉलेज मिल जाए बहुत बेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला मिल जाए तो एक्सेप्शनल हो जाता है, फायदे वाली चीज़ है, ठीक है, हर चीज़ का टॉप होता है, तो टॉप आपको मिल जाए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला मिल जाए ना, ये वाला जो दोनों ऑप्शन है ये भी बहुत बेस्ट है, इसके लेवल की चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको दिमाग को ऐसा मत बनाना मेरे को यही मिले यही मिले, अगर ये मिल रहा है बेस्ट है, अपन कर रहे हैं अपना काम, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी मिल रही है ना आपको, इसमें भी कोई कमी नहीं है, 100% बेस्ट है, कैसे कहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली कट ऑफ है, तो इसको मैं क्या करूंगा ना, अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपको एक बार देख लेना, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं, और ध्यान रखना अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें अपन टारगेट बेसिस पे बात करेंगे, उसमें क्या होगा, मैं पूरे साल के आपको टारगेट दूंगा डेली, कैसे रिविजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, डेली आपको टारगेट मिलेंगे। चैनल को ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।